इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नागरिकता संशोधन कानून का सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका विरोध हो रहा है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लंदन में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हो गए और नागरिकता संशोधन कानून पर विरोध किया। यानी भारत ही नहीं बल्कि इस कानून के खिलाफ लोग अब विदेशों में भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लोग सरकार द्वारा लाए गए इस कानून को गलत बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान में सबको बराबरी का हक मिला है, तो इस कानून को लाने का मकसद क्या है? वो भी ऐसा कानून जो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को विभाजित करे। लंदन में हो रहे इस विरोध में लोगों ने इस कानून को सरकार से वापस लेने की मांग की। नया जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ पास हुआ है उसको उसके खिलाफ हम यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। ये हर बिना पे गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हमारे जो सांप्रदायिकता फैलाने की एक तरह से कोशिश है, पहले से कोशिश चलती आ रही है, ये उसमें एक फाइनल कॉफिन की तरह है। यहाँ पे हमारे पास एक इंटरनेशनल मंच है जिस पे हम लोग इस बात को उठा सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो फिर जब पता चला कि यहाँ पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो फिर मैं और मेरे दूसरे फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इतना कहना चाहूँगी कि मैंने अभी तक पूरा लॉ पेज बाय पेज पढ़ा नहीं है, बट एक जो डायलॉग चल रहा है इसके बारे में उसमें मुझे यही समझ में आता है कि अगर हम रेफ्यूजीज़ को ले रहे हैं तो उसमें रिलीजन का क्राइटेरिया लगाना सही नहीं है। सिटीजनशिप के लिए रिलीजन का क्राइटेरिया लगाना सही नहीं है, क्योंकि जैसे अभी हमने प्रीएम्बल की रीडिंग करी है, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। अगर जैसे ही हम सारे रिलीजन्स को एक तरफ रख के और मुस्लिम को एक एक्सेप्शन बना देते हैं तो जो सेक्युलर कंपोनेंट है वो इंडेंजर्ड हो जाता है। क्योंकि हमको ये लगता है कि ये देश का जो रिलीजियस सैंक्टिटी है वो उसको बर्बाद करता है, तो हम गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको उठा लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।